गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो इज़ हमारा थर्ड सेम एग्ज़ाम, बीएड का थर्ड सेम एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। सो इसलिए मैं आई थिंक दैट आई शुड डू सम रिकॉर्डिंग ऑफ दिस थर्ड सेम एग्जामिनेशन पेपर। तो उससे हमारा एक पेपर है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। सो यहाँ पे मैं आज के वीडियो में आप लोग को कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में विथ ए आंसर आई विल एक्सप्लेन। ओके, अगर आप चैनल में न्यू है देन गो टू द ओल्ड वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट मोर अपडेट बिफोर योर एग्ज़ाम। ओके, सो फर्स्ट पार्ट है, हम लोग देखेंगे सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में पहला चीज़ क्या है, सोशल चेंज। ओके, तो ये थोड़ा नोट से आप चाहेंगे तो यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीन शॉट। तो ये एक जस्ट बिफोर एग्ज़ाम प्रिपरेशन ही सोच लीजिए। सो सोशल चेंज क्या होता है? तो सोशल चेंज का मतलब क्या है? चेंज मीन्स एनी मॉडिफिकेशन दैट टेक्स प्लेस इन ए सिचुएशन थ्रू टाइम। मतलब जब चेंज होता है, कोई टाइम के साथ कुछ भी चेंज हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं सोशल चेंज। चेंज इन्वॉल्व द मॉडिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। पहले जो था अब वो चेंज हो गया, पहला पोजीशन जो था अब वो पोजीशन चेंज हो गया, दैट मीन्स देर इज़ सम चेंज। तो सोशल चेंज, तो चेंज मीन्स कोई भी मॉडिफिकेशन जो भी होता है। तो सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन में हम लोग पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट चीज़ है सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी का अगर हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, सोशियोलॉजी एरिस्टोटल कुछ बोले हैं सोशियोलॉजी के बारे में। वो क्या बोले हैं? मैन इज़ ए सोशल एनिमल, बोथ मैन एंड द सोसाइटी आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर फॉर वेरियस रीजन, विदाउट वन अनदर वन इज़ इनकम्प्लीट, फॉर दैट रीज़न मैन इज़ कॉल्ड द सोशल एनिमल। तो एरिस्टोटल बोले हैं कि मैन एंड सोशल नेचर दैट आर इंटर रिलेटेड, सोसाइटी दैट आर इंटर रिलेटेड। हम लोग क्या, हम लोग लाइफ में कभी भी कोई सिचुएशन में हम लोग किसी का भी हेल्प लेते हैं, विदाउट अदर्स हेल्प वी कैन नॉट गो एहेड। सो मैन एंड सोसाइटी बोथ आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैन क्या है, एक सोशल एनिमल है। वाई? बिकॉज मैन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट द सोसाइटी। हम लोग हमेशा सुबह से शाम तक किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं कोई भी काम के लिए। सो दैट इज़ आवर, सो वी आर नोन एज सोशल एनिमल। जैसे सुबह हम लोग मार्केट जाते हैं, कुछ लाते हैं, गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं, तो ये सारा क्या, वी आर डिपेंडिंग ऑन अदर्स, वी आर डिपेंडिंग ऑन आवर सोसाइटी। सो एरिस्टोटल बोले हैं कि मैन इज़ ए सोशल एनिमल। क्यों? बिकॉज मैन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट द सोसाइटी। ठीक है, सो ये है मतलब एक बेसिक इंट्रोडक्शन दैट इज़ गिवन रिगार्डिंग सोशियोलॉजी बाई एरिस्टोटल। तो मीनिंग अगर हम लोग देखेंगे, द टर्म सोशियोलॉजी कम्स फ्रॉम द टू वर्ड्स। क्या क्या वर्ड है? एक है सोशियो और एक है लोगोस। तो सोशियो का मीनिंग क्या होता है? सोसाइटी। एंड लोगोस का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ साइंस। तो स्टडी ऑफ सोसाइटी अगर हम लोग बोलेंगे तो दैट इज़ नथिंग बट योर सोशियोलॉजी। तो सोशियो लोगोस दैट मीन्स स्टडी ऑफ साइंस और सोसाइटी, दैट इज़ नोन एज सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी जो हम लोग देख रहे हैं, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये आपको जैसे भी हो पेपर में लिखना है कि सोशियोलॉजी का मीनिंग क्या है। सोशियो मीन्स सोसाइटी एंड लोगोस मीन्स स्टडी। तो स्टडी ऑफ सोसाइटी इज नोन एज सोशियोलॉजी। सो दिस इज सम बेसिक कंसेप्ट अबाउट वट इज सोशल चेंज, वट इज़ द कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एंड वट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए ये पार्ट है जिसमें हम लोग देख रहे हैं अगस्ट कम्पटे इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है? अगस्ट AUGUST COMPTE, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, एंड ही टर्म सोशियोलॉजी फॉर फर्स्ट टाइम इन 1937। तो ये भी आप लिख सक रहे। देखिए ये वीडियो में जितना भी मैं पोर्शन आपको बता रही हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ ओनली टू राइट इन द एग्ज़ाम। मैं बुक से आज नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि अगर मैं बुक से पढ़ाऊँगी तो यू आर हैविंग लेस टाइम, ठीक है, तो आप लोग इतना कवरअप नहीं कर पाओगे। तो आज मैं जितना बता रही हूँ दैट इज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ योर एग्ज़ाम ओनली। आप ये चीज़ को एग्ज़ाम कॉपी में लिख सकते हैं। जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई हैव टेकन एंड मेड द नोट्स फॉर यू। सो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट और ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो मैं एग्ज़ाम के पहले अपलोड कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू। सो नेक्स्ट देखिए डेफिनेशन। सोशियोलॉजी इज़ ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, जो कि अभी हम लोग देखिए कि सोशियोलॉजी क्या है।
ये स्टडी ऑफ सोसाइटी है. सो देर आर सम डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट क्या बोले हैं, सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशन. ऑब्वियसली स्टडी ऑफ सोसाइटी का मतलब क्या है, अभी हम लोग देखें एरिस्टोटल क्या बोले, इट इज़ अ सो मैन इज अ सोशल एनिमल. वाई मैन इज अ सोशल एनिमल, बिकॉज ही इज डिपेंडिंग अपॉन द सोसाइटी. ओके, तो मैन सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी काम के लिए सोसाइटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इंटरेक्शन कर रहा है, देर इज अ इंटर रिलेशन बिटवीन मैन एंड सोसाइटी. सो अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट दे डिफाइन दैट सोशियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशन बिटवीन देम. देन अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चर वो क्या बोले हैं, सोशियोलॉजी इज ए सोशल रिलेशनशिप और द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप वेयर विच कॉल्ड द सोसाइटी. सेम चीज है, थोड़ा सा अलग करके डिफाइन किया है. देन सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोसाइटी. देन उसके बाद हम लोग कुछ नेचर लिख सकते हैं. देखिए ये पार्ट आप कॉपी में लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आए, व्हाट इज सोशल चेंज, व्हाट इज सोशियोलॉजी, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सोशियोलॉजी, व्हाट इज द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, ये सारा आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा. सो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर आप सोशियोलॉजी के ऊपर स्टडी नहीं किए हैं, देन भी ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. ठीक है, सो हम लोग देख रहे हैं नेचर. नेचर के हम लोग क्या करेंगे, इसका पहला पॉइंट है व्हाट इज द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, प्योर साइंस, इट इज नथिंग बट ए प्योर साइंस. देन डील्स विद अ जेंडर प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, जेंडर प्रॉब्लम, सोसाइटी, ह्यूमन बींग, वो सारा रिलेटेड टू सोशियोलॉजी. इट इज रेशनल इन नेचर, इट सॉल्व्स आवर प्रॉब्लम्स. ओके, देन इट इन्वेस्टिगेट एवरीथिंग पॉजिटिवली, इट इज अ इंडिपेंडेंट साइंस, इट इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस. तो इतना चीज आप नेचर में लिख सकते हैं, आप एक डायग्राम बना के भी इसको लिख सकते हैं. तो अब तक हम लोग क्या देखें, पहले तो हम लोग देखें व्हाट इज सोशल चेंज, देन हम लोग देखें व्हाट इज सोशियोलॉजी, देन उसके बाद हम लोग देखें सोशियोलॉजी का मीनिंग क्या है, देन हु इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी. एज आई टोल्ड, ऑगस्ट कॉम्टे इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, एंड को कब गए थे ये टर्म, इन 1937. ओके, देन हम लोग देखें डेफिनेशंस, उसके बाद हम लोग देखें नेचर. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको अभी बताऊंगी. नेक्स्ट पार्ट आप चाहेंगे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ये है, जो कि आई होप आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा. ओके, सो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी. तो देर आर टू टाइप ऑफ स्कोप. यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी टू टाइप्स का होता है, एक होता है स्पेशलिस्टिक स्कूल और एक होता है सिंथेटिक स्कूल. तो स्पेशलिस्टिक स्कूल का क्या स्कोप है, इट इज़ वेरी नैरो एंड लिमिटेड, इट स्टडीज द सोशल रिलेशनशिप, फोकस ऑन मेंटल एंड साइकेटिक रिलेशनशिप. ओके, ये है हमारा स्पेशलिस्टिक स्कूल. सिंथेटिक क्या है, डील्स विद पॉपुलेशन, डील्स विद फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, कैसे हम लोग सोशल कंट्रोल करेंगे, सोशल माल एडजस्टमेंट, सोसाइटी में जो भी सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है हम लोग उसको कैसे मैनेज करेंगे. तो ये है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी का सिंथेटिक पार्ट. ठीक है, तो हमारा टू पार्ट्स है, एक है स्पेशलिस्टिक जिसमें हम लोग ये नैरो होता है सोशल रिलेशनशिप, साइकेटिक रिलेशनशिप, ये सारा हम लोग देखते हैं. सिंथेटिक में ये पॉपुलेशन से डील करता है, फॉर्मल इनफॉर्मल मीन से डील करता है, माल एडजस्टमेंट से डील करता है. ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है आपका यहाँ पे सोशियोलॉजी एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ बाय एजुकेशन ब्रिंग चेंजेस इन द लाइफ. सोशियोलॉजी एक्सप्लेन द सोशल कंडीशन एंड गुड रिलेशनशिप वाइल एजुकेशन प्रिपेयर्स लर्नर एज एफिशिएंट इंडिविजुअल. तो ये हमारा स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, एक है हमारा स्पेशलिस्टिक, एक है सिंथेटिक. देन कंक्लूजन में हम लोग लिख सकते हैं दस एजुकेशनल सोशियोलॉजी स्टडीज द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन एंड द बेसिक ऑफ सोसाइटी. अगर हम लोग एजुकेशन सोशियोलॉजी देखेंगे तो ये सोशियोलॉजी और एजुकेशन दोनों का कॉम्बिनेशन है. एजुकेशन क्या करता है, हेल्प करता है पढ़ने के लिए, एजुकेट करने के लिए, नॉलेज के लिए. सोशियोलॉजी क्या है, द रिलेशन ऑफ ह्यूमन बींग विथ सोसाइटी. सो बोथ आर रिलेटेड. अगर हम लोग एजुकेटेड होंगे, थ्रू एजुकेशन वी कैन ऑल्सो हैव ए गुड रिलेशनशिप विद द सोसाइटी. तो दिस इज अ एजुकेशनल सोशियोलॉजी स्टडीज द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन एंड द बेसिक ऑफ सोशियोलॉजी. ओके, ये रहा आपका कुछ पॉइंट जो कि आप कोई भी क्वेश्चन में, आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन किसी में भी मिल सकता है. नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सोशियोलॉजी में, देखिए कल्चरल लैग. ठीक है, तो ये कल्चरल लैग क्या होता है, कल्चरल लैग होता है, कल्चर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू एस्पेक्ट्स, एक मटेरियल एक नॉन मटेरियल. मतलब हम लोग का जो कल्चर है, हम लोग कल्चर में ग्रो, मतलब हमारा जो रूल रेगुलेशन जो भी हम लोग अपने कल्चर में देखते हैं तो उसको हम लोग देख सकते हैं. इट इंक्लूड्स टूल्स लाइक वेपन, सॉरी, मटेरियल कल्चर क्या होता है,
कोई भी वेपन्स क्या हम लोग अपने कल्चर में यूज़ करते हैं, नॉन मटेरियल कल्चर क्या है, हम लोग का स्पिरिचुअलिज्म, हम लोग का सिविलाइजेशन, हम लोग का लैंग्वेज। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट इन अ कल्चर, दैट इज मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। तो कल्चरल लैग क्या होता है, ये बुक में भी आपका देखिए एक डायग्राम है, मैं यहाँ पे भी एक शॉर्ट डायग्राम आप लोग की बना दूँ। सो ये देखिए, ये है कल्चरल लैग, दैट मीन्स द गैप बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। तो जो गैप रह जा रहा हमारा मटेरियल और नॉन मटेरियल के बीच में, चेंजेस के बीच में, उसे बोला जाता है कल्चरल लैग, कल्चरल गैप और कल्चरल लैग हम लोग बोल सकते हैं। तो जो भी हमारा मटेरियल कल्चर है, नॉन मटेरियल कल्चर है, उसमें क्या गैप है, दैट इज नोन एज कल्चरल लैग। देन कल्चरल प्लूरलिज्म, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट। कल्चरल प्लूरलिज्म क्या होता है, देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप बिल्ट इन सोसाइटी ऑफ डिफरेंट कल्चरल डाइवर्सिटी, हम लोग के डिफरेंट कल्चर है, तो हम लोग डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट रूल रेगुलेशन, डिफरेंट सिविलाइजेशन, डिफरेंट थिंग है। तो कल्चर प्लूरलिज्म क्या है, कॉमन पार्ट ऑफ सोसाइटी वेयर इज द वेरिएशन ऑफ कल्चर सेम इन डिफरेंट कंट्रीज विच पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इट गिव्स द इम्पोर्टेंट टू कल्चरल लिंग्विस्टिक डिफरेंस एज वेल एज मेंटेन द सेम इन द सोसाइटी। इट रिक्वायर्स ए डोमिनेटिंग कल्चर विच प्लेज एन वाइटल रोल। इट ऑल्सो ब्रिंग ए इंटीग्रेशन विद द डाइवर्सिटी। तो कल्चरल प्लूरलिज्म हम लोग देखें, ये पॉइंट सारा हम लोग लिख सकते हैं कल्चरल प्लूरलिज्म में, कि हम लोग का डिफरेंट सोसाइटी में डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर है, ठीक है, तो दैट इज कल्चरल प्लूरलिज्म। तो इट रिक्वायर्स ए डोमिनेटिंग कल्चर विच प्लेज ए वाइटल रोल। बट क्या होता है ना, जहाँ पर देखिए एक जगह में कल्चर है बट डोमिनेटिंग कल्चर ही एक्टिवेट रहता है, दैट इज कल्चरल प्लूरलिज्म। देन यहाँ पे देखिए और कुछ पॉइंट मैं आपके लिए लिखी हूँ। इट इज़ अ कंडीशन इन विच द स्मॉलर ग्रुप्स विथ लार्जर सोसाइटी मेंटेन देयर रिलीजन एंड कल्चर वैल्यू विच आर एडोप्टेड ऑल टॉलरेटेड विद इन द लार्जर कल्चरल सोसाइटी। तो कभी कभी स्मॉलर ग्रुप अपना रिलीजन, अपना कल्चर का वैल्यू रखते हैं विथ इन अकॉर्डिंग टू दैट ऑफ लार्जर कल्चरल सोसाइटी, अपना कल्चर वो कभी छोड़ते नहीं है, ठीक है। देन एग्जाम्पल यहाँ पे है, अमेरिकन कल्चर इज डोमिनेटिंग इन मेनी कंट्री लाइक मैक्सिकन, रशिया, चाइना आर अडोप्टिंग दैट कल्चर। ओके, सो ये आप लिख सकते हैं कल्चरल लैग एंड कल्चरल प्लूरलिज्म। मैं आपको बता दे रहा हूँ, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हो सके इसमें से क्वेश्चन आए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन को और आपने अपने कॉपी में लिख के पढ़ सकते हैं। द नेक्स्ट पार्ट है हमारा सोशल चेंज। टर्म सोशल चेंज इज यूज इन द इंडिकेशन द चेंज दैट टेक्स प्लेस इन ह्यूमन इंटरेक्शन। तो क्या चेंजेस आ रहा है एक ह्यूमन बींग में, दैट इज नोन ए सोशल चेंज। सोसाइटी इज ए वेव ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सोशल चेंज मीन्स द चेंज इन सोशल रिलेशनशिप। जो हमारा रिलेशनशिप है उसमें जब चेंज आ रहा है, दैट इज नोन ए सोशल चेंज। ऑल सोसाइटीज आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज बट समटाइम द सोसाइटी इज नॉट द सोशल चेंज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ एनी डोमिनेटिंग रीजन। तो कभी कभी क्या होता है ना, सोशल चेंज पॉसिबल नहीं होता, वो जैसा है वैसा ही रह के आया है, अभी भी वैसा ही, दैट इज़ योर मतलब कभी कभी सोसाइटी में क्या होता है, सोशल चेंज नहीं हो पाता है, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट है सोशल चेंज के बारे में। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज हम लोग देख, इट इज़ प्लान मटेरियल कल्चर चेंजेस फास्टर। मटेरियल कल्चर मीन्स हम लोग का रहना स्टाइल, पहनने का स्टाइल, ये सारा ज़्यादा चेंजेस होते रहता है। आप लोग देख रहे हैं, एक अगर फैशन आ रहा है तो फिर और 10-15 दिन में और कोई फैशन आ जा रहा है जिसको सारे अडोप्ट कर रहे हैं। तो मटेरियल कल्चर ज़्यादा चेंज होता है अकॉर्डिंग देन दैट ऑफ द नॉन मटेरियल कल्चर, जैसे कि हमारा सिविलाइजेशन, हमारा रूल रेगुलेशन, ये सारा हम लोग का रीति रिवाज, ये सारा चेंज नहीं होता है ज़्यादा, बट मटेरियल कल्चर ज़्यादा चेंज होता है। सोशल चेंज इट इज़ इंटेंशनल इन नेचर, हम लोग अगर चाहेंगे तभी सोशल चेंज हो पाएगा। इट इज़ मैटर मोर देन अदर्स, इट इज़ इजीली ऑब्जर्वेबल, हम लोग सोशल चेंज को देख सकते हैं। अगर चेंजेस आया लिविंग स्टाइल में, रहने का स्टाइल में, तो हम लोग इजीली उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इट इज़ डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव, कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा चेंज होना भी अच्छा नहीं है और कभी कभी अच्छा भी होता है। जैसे कि आजकल हम लोग मॉडर्नाइजेशन की वजह से सारा, मतलब हम लोग आजकल क्या ज़्यादा ट्रैवल, हम लोग चलने के रास्ते में भी हम लोग गाड़ी लेके जाते हैं, या फिर हम लोग घर में कुछ भी काम करते हैं तो हम लोग मशीन यूज़ करते हैं। सो ये सारा क्या होता है ना, चेंजेस तो आ रहा है कभी कभी क्या हो जाए, बट ह्यूमन हेल्थ के ऊपर डिफेक्ट होता है। तो इसलिए हम लोग उसको डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग मॉडर्नाइजेशन हो रहे हैं, मॉडर्न हो रहा है, सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव इन नेचर। इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ ए आइडियोलॉजी। तो यहाँ पे देखिए एक सन डायग्राम करके मैं दिखाएं, तो आप सोशल चेंज कैरेक्टरिस्टिक लिख के ये सारा पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं। ओके,
देन अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी सोशल चेंज इज अ टर्म टू डिस्क्राइब द वेरिएशन एंड मॉडिफिकेशन एंड अकॉर्डिंग टू एजुकेशनलिस्ट सोशल चेंज मीन्स द चिल्ड्रेन्स आर एंगेजिंग इन एक्टिविटीज हुई डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट सोशल चेंज चेंजेस इन नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी चेंजेस इन साइज ऑफ पॉपुलेशन ये सारा एक्स्ट्रा पॉइंट आपको यहाँ पे कुछ दिया गया तो आप जनरली इसका कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं ओके देन देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट है आपका मॉडर्नाइजेशन तो मॉडर्नाइजेशन क्या होता है ये भी एक पार्ट है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन का मॉडर्नाइजेशन क्या होता है हम लोग मॉडर्न हो जा रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है अर्बनाइजेशन हो रहा है टेक्नोलॉजी आ रहा है राइज इन नेशनल कैपिटल इनकम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो रहा है डेवलपमेंट ऑफ मास मीडिया तो सारे जगह अभी देख ही रहे हैं आप लोग सोशल मोबिलिटी ठीक है मतलब कोई भी अपना इनकम के लिए कैरियर के लिए मतलब ह्यूमंस क्या कर रहे हैं लोग एक जगह से दूसरे जगह जाना पसंद करते हैं इनकम ज़्यादा करना पसंद करते हैं तो मोबिलिटी बढ़ रहा है मतलब मोबाइल हो जा रहे हैं लोग चेंजेस कर रहे हैं अपने जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं गाँव में ज़्यादा लोग आजकल रहते नहीं है क्योंकि उनको ज़्यादा इनकम करने का मन है इसलिए वो मॉडर्नाइजेशन या फिर कोई मेट्रो सिटी में जाते हैं सो दैट इज़ योर वन ऑफ द पॉइंट फॉर सोशल मोबिलिटी देन यहाँ पे और कुछ मॉडर्नाइजेशन का पॉइंट है देख सकते हैं आप लोग ए वे ऑफ चेंज इन द स्पीयर ऑफ सोशल पॉलिटिकल एजुकेशन रिलीजियस और टेक्नोलॉजी कोई भी फॉर्म में अगर हम लोग चेंज हो रहा है दैट इज़ मॉडर्नाइजेशन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑब्वियसली देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन मॉडर्नाइजेशन का दो पॉइंट है इसको आप याद रख सकते हैं इट हेल्प्स द नेशन टू बिल्ड इट्स ओन आइडेंटिटी तो कभी कभी क्या होता है ना हम लोग का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है हम लोग का तो हम लोग बोल सकते हैं ये हम लोग को हेल्प करता है टू बिल्ड अप द नेशन देन नेक्स्ट पार्ट इम्पोर्टेंट क्या है मॉडर्नाइजेशन इन एजुकेशन तो एजुकेशन में मॉडर्नाइजेशन क्या है इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर इट ब्रिंग्स हेल्दी कंपटीशन आजकल कंपटीशन बढ़ रहा है ऑल अराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चों का डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होना चाहिए स्टूडेंट को कैसे यर्न लाइवलीहुड अपना इनकम कैसे करना वो सिखाना इट गिव्स ए ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड पॉजिटिव आउटलुक ठीक है डेवलप क्यूरोसिटी तो ये सारा हमारा मॉडर्नाइजेशन एजुकेशन है तो मॉडर्नाइजेशन अगर आया तो आप कुछ पॉइंट लिखेंगे मॉडर्नाइजेशन का जैसे हम मैं अभी दिखाई आपको उसके बाद आप मॉडर्नाइजेशन इन एजुकेशन भी दिखा सकते हैं ओके सो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है आज के डिस्कशन का आई थिंक दिस इज द लास्ट पार्ट फॉर दिस सो मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता दी इसमें क्वेश्चन ज़रूर आएगा अगर कुछ अलग भी आया तो आप इस पॉइंट को मिला के लिख सकते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इट रिफर्स टू द सोशल रैंकिंग ऑफ सोशल ग्रुप अकॉर्डिंग टू वन और मोर क्राइटेरिया तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स रैंकिंग कैसे एक सोसाइटी में रैंकिंग किया गया है जैसे देखिए आप कुछ मतलब हाई इनकम पीपल होंगे कुछ लो इनकम पीपल होंगे तो उसे बोला जाता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी हम लोगों को डिवाइड कर दिए दैट इज़ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इट इज़ यूनिवर्सल एंड इट इन्वॉल्व्स ये तो होगा ही जैसे सारे लोग तो डॉक्टर नहीं बन सकते कुछ तो वहाँ से वर्कर भी बनेंगे सो दैट इज़ वन पार्ट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सारे बच्चे तो टैलेंटेड नहीं होते हैं उनसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो तो नेचुरली है ये होगा ही बट कभी कभी ये क्या होता है ना कॉम्प्लेक्स हो जाता है वायलेंस हो जाता है इसके बीच में एक डिवीजन आ जाता है कंट्री में इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बट ये क्या होता है ना ये चेंज रहेगा इन अर्लियर डेज द क्लासिफिकेशन और रैंकिंग ऑफ डिफरेंट इन कंपैरिजन टू मॉडर्न डेज ओके सो दिस इज सम ऑफ द पॉइंट्स दैट टुडे आई डिस्कस इन सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सो आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़िए जितना भी बताई हूँ आई एम ट्राइंग टू गिव सम नोट्स अदर नोट्स ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आप लोग को इस टॉपिक में बताऊँगी ओके सो आई विल ट्राई टू अपलोड दैट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो सो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर अपडेट थैंक यू ऑल ऑफ यू हैव ए गुड डे